आइए महारानी कुंती, आइए महारानी कुंती का करण के शिविर में बहुत बहुत भव्य स्वागत। और ये सूत पुत्र करण महारानी कुंती को हाथ जोड़ करके सर झुका करके प्रणाम करता है। खुश रहो करण, लेकिन जिसे तुम बार बार अपने मुख से महारानी कुंती कहकर के संबोधित कर रहे हो, हाँ। वो महारानी कुंती होने के साथ साथ में तुम्हारी माँ भी है करण। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तू मेरा बेटा है। महारानी कुंती होने के साथ साथ तुम मेरी माता हो? हाँ। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर तुम मेरी माता हो तो ये दुनिया वाले इस करण को सूत पुत्र क्यों कहते हैं? करण, जिस भेद को मैंने अपने मन के अंदर बरसों से छुपा करके रखा था, आज तेरे सामने खोल करके रख दिया कि मैं ही तेरी माँ हूँ, तू मेरा बेटा है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। क्या कुछ कहना चाहते हो? सुनिए मेरी बात। कहिए। हो सत्यदानी नहीं करण, माता कह के बोल लाडले कट के तेरी वाणी हो। माता कह के बोल लाडले कट तेरी वाणी। हाथ जोड़ परिणाम करे, हाथ जोड़ परिणाम करे तुझे राधा सत्यदानी। तुमने जन्म दिया, माता वो कहेंगे जिन्होंने तुम, जिनको तुमने इस आंचल का दुलार दिया, प्यार दिया, पाल पोष करके बड़ा किया। करण, मेरी मजबूरी का फायदा मत उठा मेरे लाल, तू मेरा बेटा है और यही सच्चाई है। नहीं तो पुत्र एक मामूली सूत पुत्र कैसे कह दियो माता। सूत पुत्र ना सूरज सुत मारा माँ बेटे आना तारे। सूत पुत्र ना सूरज सुत मारा माँ बेटे आना। क्यों हम दर्दी दिखा रही मन, क्यों हम दर्दी दिखा रही, ये भेद समझ ना आता। दिल पे भारी, दिल पे भारी चोट लगी मेरा बच्चा काल चाचा तारे। दिल पे भारी चोट लगी मेरा बच्चा काल चाचा तारे। सर नीचा क्यों पे रखा, सर नीचा क्यों पे रखा, तू तो पांडू की महारानी। माता कह के, माता कह के बोल लाडले कट के तेरी वाणी।
सारी बातों का पता है? नहीं पता। मैं तेरी माँ हूँ। किसी ने तुम्हें भगा दिया और मेरे बारे में बता दिया? क्या करके करण से कह दे, क्योंकि करण को मालूम नहीं अपने माता पिता का। और तुम्हें जिसने भगा करके यहाँ भेजा है, उसने तुमसे ये भी कहा होगा कि करण से जाकर के कह दे कि मैं तेरी माँ हूं और तू मेरा बेटा। जब इतनी बात सुनेगा तो करण पांडव से युद्ध नहीं कर पाएगा। सुनिए, मेरे माता पिता कौन है? कह दे करण। ओ पिता यदि रहते गोद खिलाया। राधा ना तू, राधा ना तू, कुत्ते सुत बने पेट मार के जाया। राधा ना तू, कुत्ते सुत बने पेट मार के जाया। क्या मैं राधा पुत्र नहीं हूँ? नहीं। क्या मैं कुंती पुत्र हूँ? तू कुंती पुत्र है करण। फिर छाती फटी नहीं, फिर तेरी छाती फटी नहीं, तने क्यों कर मैं ठुकराया। कुआरी ने रे, कुआरी ने, कुआरी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। कुआरी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। तेरे जैसी आज तेरे, तेरे जैसी आज तक माता कह के मान लाड ले कटकरी वाणिया। माता कह के मान लाड ले कटकरी रुपये से हमारे महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और हमारे भवानी सौरपे कई भाइयों ने मान सम्मान किया। इस भजन की दो कली पूरी हुई है। भजन थोड़ा सा भी समझ में आ रहा तो दोनों हाथ ठाके बता दो। बात बात धन्यवाद प्रणाम। माता कहते बोल लड़ रहे। एक बार, बस एक बार अपने मुख से मुझे माँ कह दे लाड़ ले। यानी तुमने, तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा हूँ। हाँ। तुमने मुझे 9 महीने गर्भ में रखा। रखा। खून से सींचा, जन्म दिया। हाँ। दुनिया की लोक लाज डर भय के कारण तुमने मुझे संदूक में बंद कर गंगा नदी में बहा दिया। हाँ करण। क्या एक माता का यही फर्ज होता है? नहीं होता। सारी बातों को जानती हूँ कि एक माँ का ये फर्ज नहीं होता। फिर तुमने क्यों किया? क्योंकि वक्त नूर को बेनूर बना देता है। जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। और कौन चाहता है अपनों से दूर होना, लेकिन ये वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। मेरी भी बहुत बड़ी मजबूरी थी करण। यानी 9 महीने गर्भ में रखना तेरी मजबूरी थी? नहीं। खून से सींचना तेरी मजबूरी थी? नहीं। मुझे जन्म देना तेरी मजबूरी थी? लेकिन दुनिया के लोग लाज डर भय के कारण गंगा नदी में बहा देना तेरी मजबूरी थी? जब इतने बड़े बड़े काम तूने मजबूरी है, तो ये करण जानता है कि इतने दिन के बाद आना और ये सारा राज बताना, महारानी कुंती आज भी कोई ना कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी तेरी। मजबूरी तो नहीं है करण, लेकिन आज मैं तुझे अपने साथ ले जाने आई हूँ। 9 महीने तक रखा गर्भ में तने पाया कष्ट बतेरा री। मुझे 9 महीने तक रखा गर्भ में तने पाया कष्ट बतेरा री।
तने अपने जीवन में किया उजाला, मेरे जीवन में किया अंधेरा री, और जहाँ मैं तेरे लेके वह दिन मर गया जब ठा गंगा में करण ऐसे शब्द अपने मुख से मत बोल। तू मेरी माँ है तो उस दिन क्यों ना बनी माँ, उस दिन क्यों ना बनी माँ जब दुनिया ने ठुकराया मुझे, तू उस दिन क्यों ना बनी माँ जब दुनिया ने ठुकराया मुझे, सूत पुत्र कहकर के गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे, आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे, ये शूद्र नहीं, ये शूद्र नहीं राजा अंग देश का बनाया मुझे। मुझे माफ कर दे करण, मैं तेरे पैर पकड़ती हूँ, मुझे क्षमा कर दे। तो उस दिन क्यों ना बनी माँ जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, द्रौपदी के स्वयंवर में मैंने धनुष पर बाण चढ़ाया, नींद को बींधना चाहा, आगे को कदम बढ़ा, द्रौपदी ने मेरे से एक सवाल किया, वो क्या था तुम्हो? क्या लोगों तालियां चाहूंगा सुनने के बाद, द्रौपदी का वो सवाल क्या था? क्या था? द्रौपदी ने यूं कहा था कि मैं तेरे साथ में सड़ूंगी, मैं तेरे साथ ही कर लूंगी, तू बाण को थाम, बता पहले कौन कहां का रहने वाला, अपना घर और गांव बता पहले, फेर बींधिए, फेर बींधिए मीन मुझे, अपने माँ बाप का नाम बता पहले, अपने माँ बाप का नाम बता पहले। उस दिन मैं मजबूर थी, मेरी आंखों में आंसू आ गया, मुझे पता होता कि माँ मेरी कुंती है, कुंती पुत्र हूं, तो मैं द्रौपदी से कह देता कि मैं कुंती पुत्र हूं, मैं लाचार, मैं अपमानित होकर के उल्टे कदम अपने आसन पर बैठ गया। आज इस राज को खोलने के लिए मेरे पास आई हो, हाँ करें। मैं जानता हूं, क्या सुनिए, सुन, रिश्ते ने तो मतलब खातर, इस रिश्ते ने मतलब खातर, इस रिश्ते ने याद दिलावन आई, अपने दिल के, अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज मनावन आई हो, अपने दिल के टुकड़े पांचों पांडव, पांचों पांडव भाई तेरे यूं समझावन आई है, पांचों पांडव भाई तेरे यूं समझावन आई, मान लिए क्या चाहिए तने, मान लिए क्या चाहिए तने, तू तक खोल बता परेशानी, बस माता कह के बोल लाड ले हमारे साथी, हमारे गायक साहब भाई अनिल पिचोपिया जो इसी गांव से हैं, जो इस भजन पर 100 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं, भाई का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। करण की मांग लिए जो चाहिए तने तो खोल बता परेशानी, लेकिन सूर्य निकलने से पहले मेरे पास कोई आता है तो कुछ मांगने के लिए आता है, तुम भी कुछ मांगने के लिए आई हो तो मांग सकती हो, सुनिए मेरी बात, मने आज तक अपने दर से
जो मांगोगी वही दे दूंगा, लेकिन एक काम नहीं करूंगा। क्या? मैं दुर्योधन का साथ न छोड़ू, दुर्योधन का साथ न छोड़ू, मांग ले और बकाया। चुप हो जा, मैं यही तो चाहती हूँ कि दुष्मा भी दुर्योधन का साथ छोड़ दे, और कल जो रणभूमि के मैदान में युद्ध होने वाला है, मैं ये चाहती हूँ कि तू अपने पांचों भाइयों की तरफ से उस युद्ध को करे। चाहे सूर्य अपनी तपन छोड़ दे, चंद्रमा शीतलता त्याग दे, हिमालय चाहे अपनी जगह छोड़ दे, गंगा नदी धारा का रुख मोड़ दे, लेकिन महारानी कुंती ये करण मर सकता है, लेकिन अपने परम मित्र यार दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। मैं तुझसे फिर कहती हूँ कि तू उस पापी दुर्योधन नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अगर अगर तू दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ना चाहता, जोरदार ताली। गुरु परशुराम के दी हुई जो दिव्य शक्ति, हाँ, जो मेरे तरकस में पांच बाण लगे हुए, वो पांच बाण तो ना दान में चाहिए, दान में चाहिए। जाओ, ये करण गुरु परशुराम की दी हुई शक्ति, तरकस के पांच बाण महारानी कुंती। धन्यवाद करण, लेकिन एक दुख है। क्या? काश से पहले थी तो मुझे कोई दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इतने दिन के बाद मेरे पे क्यों दान मांगने आई हो? अच्छा, इतने दिन के बाद मेरे पे क्यों दान मांगने आई हो? जिन बाणों पे गर्व मुझे आने मांगने आई हो? अच्छा, कितने बेटे हैं तुम्हारे? छह। जब छह बेटे हैं तेरे, जब छह बेटे हैं तेरे, पांच के क्यों प्राण मांगने आई हो? जिक्र करण की तुम जान मांगने आई हो, करण की तुम जान मांगने आई हो। नहीं करण, ये सत्य नहीं। मैं दुर्योधन का साथ न छोड़ू, जा मांग ले और बकाया। मेरे बेटों की जान बख्श दे, करते मन का चाहया रे। बेटों की जान बख्श दे, करते मन का चाहया। उठा राम देश रे, लिख दे धर्म कहानी। Yeah.